कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। तो इसके लिए हमें चाहिए, इधर मैंने 6 स्ट्रॉबेरीज लिए कट करके। तो इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगा। तो अभी पाउडर शुगर डालूँगा क्योंकि शुगर मेल्ट नहीं होगी बनाते वक्त। तो अभी मुझे अभी क्या करना है, इसको डालने के बाद पहले दूध डालने से पहले एक बार क्रश करना, ब्लेंड करना है। तो मैं ब्लेंड करता हूँ, तो अभी मैं ब्लेंड करूँगा ये। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरीज नहीं रहनी चाहिए। तो ये अभी ठीक अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। इसको डांस करना है। तो अभी मुझे अभी डालना है 2 कप मिल्क, चिल्ड मिल्क है ये, चिल्ड वाला। ये देखो, अभी मैं ये देखिए ऐसे हो गए हमारा स्ट्रॉबेरी ब्लेंड होके, ये देखो। तो अभी मुझे इसमें अभी 2 कप चिल्ड मिल्क डालूँगा मैं। तो अभी इसको फिर से ब्लेंड करेंगे हम। आइस भी डालनी है हमें, इधर मैंने 2 आइस क्यूब्स लिए क्योंकि आइस के बिना मज़ा नहीं आएगी। तो अभी स्टार्ट, तो आइस ज़्यादा हमें नहीं ब्लेंड तोड़नी। इधर ये स्मूथ सा हो गया ब्लेंड, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये स्मूथ सा ब्लेंड हो गया है। तो अभी ना हम कप को गार्निश कर लेते हैं। तो ये देखो, मैं कप को गार्निश करूँगा। तो इसके लिए हमें चॉकलेट सिरप की, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप भी है तो आप डाल सकते हैं। तो इसको गार्निश करेंगे। तो इधर ना मैं कैमरा इधर रखता हूँ हमारा। तो अभी देखो ऐसे मैं गार्निश करूँगा इसको। तो अभी दूसरे को भी वैसे ही गार्निश करूंगा। तो अभी मैंने एक स्ट्रॉबेरी रखी थी डिजाइन के लिए, सबको सबके डिजाइन के लिए। ये देखो, इसको मैं कट करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 कप है करने वाला हूँ मैं, इसलिए मैंने 1 स्ट्रॉबेरी ली है। अगर एक ही करने वाले हैं तो 1 स्ट्रॉबेरी लो आप।
दी। तो हमारा कप तो गार्निश करके हो गया है, अभी शेक में डालूंगा हमारे कप में। तो बहुत ही स्मूथ हो गया बिना आइसक्रीम के, क्योंकि कुछ कुछ लोग आइसक्रीम डालते हैं और ठंडी में इसका सीजन होता है विंटर में, विंटर सीजन में। ये देखो हमारे स्ट्रॉबेरी का शेक तैयार है। तो आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ है ये रेसिपी, बिल्कुल ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।